हेलो, वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा बोट्स एंड स्ट्रीम का बेसिक फंडामेंटल्स और हमने कुछ क्वेश्चन किए। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि क्या वेरिएशन आ रहा है पिछले क्वेश्चंस में से। कुछ पिछले क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक लेवल पे थे और अब थोड़ा सा लेवल अप होता जा रहा है। आई होप आपने पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे और ये क्वेश्चन जो मैं करते जा रही हूँ, कोशिश करें मुझसे करने से पहले एक बार आप कोशिश करें और अगर नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन देखें। तो चलते हैं। इट सेज अ बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर देन द बॉय वुड स्विम 60 किलोमीटर। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है और समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। तो वो यहाँ पर ऑप्शंस में वो दे रहा है कि क्या क्या टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एग्जैक्टली सही है और हमें डेटा कौन कौन सा दे रखा है, क्योंकि हमारे पास वहां टाइम नहीं रहता इतना। तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। तो ये तभी हो सकता है जब आप क्विकली जो कि डेटा दे रखा है वो नोट डाउन कर। तो सबसे पहले दे रखा है बॉय की स्पीड स्टिल वाटर में। बॉय की स्पीड यानी जो कि हम बोट की स्पीड लेते हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि आंसर में जो कि ABCD ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दे रखा है, तो बेटर है कि हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैलकुलेट कर लें। तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो बोट प्लस और बॉय की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, जो कि 15 हो जाएगी। और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, 10 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर बॉय की और स्ट्रीम की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 किलोमीटर पर आ रहा है। पर हमारे ऑप्शंस में टाइम दे रखा है और इसलिए उसने 60 किलोमीटर दे रखा है। जैसा कि मैंने लास्ट उसमें भी बताया था लेक्चर में कि 60 किलोमीटर जो भी दे रखा है डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो अपस्ट्रीम में जितना ट्रेवल कर रहा है डाउनस्ट्रीम में वो उतना ही ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस रिमेन सेम। अब हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको मैं रीअरेंज करूंगी तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब मैं डाउन स्ट्रीम के लिए जो टाइम निकालूंगी वो टी हो जाएगा डिस्टेंस, जैसा मैंने कहा सेम रहेगा 60 ओवर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, 15। यहां से मेरा आंसर आ गया 4 R। तो डाउन स्ट्रीम में 4 R है, डेफिनेटली ये वाला आंसर सही हो गया। फिर भी हम अपस्ट्रीम का निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम में क्या है, 5 किलोमीटर पर आर। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 60, ये हो जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 12 R। लेकिन अपस्ट्रीम में होना चाहिए 12 R हमारे पास है, पर वो डाउन स्ट्रीम है, डेफिनेटली हमारा आंसर होगा डी। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट फॉर 5 मिनट्स एंड देन स्विम बैकवर्ड्स इन अ फेवर ऑफ द करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड कम्स टू द पॉइंट बी। इफ ए बी इज 100 मीटर्स द स्पीड ऑफ द करंट इज। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या डेटा पता चल रहा है कि हमें निकालनी है स्ट्रीम की स्पीड और हमें क्या क्या डेटा दे रखा है समझे। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक ए है जो स्विमर है वो पॉइंट ए से निकला और अगेंस्ट करंट, अगेंस्ट करंट मतलब अपस्ट्रीम में वो 5 मिनट तक तैरा, ये अपस्ट्रीम हुई। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो डाउनस्ट्रीम में गया, क्योंकि उसमें लिखा है देन स्विम्स बैकवर्ड्स इन फेवर ऑफ करंट, पीछे गया और अब करंट की डायरेक्शन में गया। अपस्ट्रीम था तो यानी करंट की डायरेक्शन इधर थी और ये इस साइड गया, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद 5 मिनट उसने जितना भी एक ट्रेवल किया, अपन कह सकते हैं एक्स ट्रेवल किया, वहां से इस पॉइंट पे आने के बाद वो डाउनस्ट्रीम में गया, सेम डायरेक्शन में गया और बैकवर्ड मूव करने लगे नेक्स्ट 5 मिनट। अब हमें सिंपल ये सोचना है कि अगर वो अपस्ट्रीम में 5 मिनट में जितना ट्रेवल करेगा डाउनस्ट्रीम में ही सेम टाइम में डेफिनेटली वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि मैंने पता रखा है कि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है। एक कछुआ 5 मिनट में थोड़ा सा ही ट्रेवल करेगा और एक खरगोश 5 मिनट में बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसमें भी हमें यही मानना है कि अपस्ट्रीम में 5 मिनट में उसने जितना ट्रेवल किया उससे ज्यादा वो डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कर लेगा और वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे ए बी के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 100 मीटर्स। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए जो बेस्ट होगा वो यही होगा कि मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्योंकि मैंने डिस्टेंस एक्स माना है तो मैं कह सकती हूँ कि स्पीड क्या हो जाती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं निकालूंगी पहले
क्योंकि वो अपस्ट्रीम में गया था पहले, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस उसने जितना ट्रेवल किया वो मैंने लिया था एक्स, तो एक्स बाय 5 मिनट्स। लेकिन क्योंकि वो किलोमीटर पर आर की बात कर रहा है तो हम मान लेंगे कि एक्स किलोमीटर में है, और 5 मिनट को भी हम चेंज कर लेंगे, यानी 5/60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मिल जाएगा 12x। ये हो जाएगी तुम्हारी अपस्ट्रीम की स्पीड। वैसे ही डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम, जितना उसने डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, डाउनस्ट्रीम में उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी एक्स और 100, एक्स प्लस 100 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम उसी टाइम पीरियड में, यानी 5/60 में। तो डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी 12 times x+100। अब हमें निकालनी है स्ट्रीम की स्पीड। अब स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है कि वही बेसिक इक्वेशन पे मैं आ जाऊंगी कि बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा तुम्हारा डाउनस्ट्रीम, और बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा अपस्ट्रीम। यहां से स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है ना, तो हमारा बोट एक्स्ट्रा है, मुझे बोट को कैंसिल करना है। अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा स्ट्रीम कैंसिल आउट हो जाएगा, s-s 0 हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ बोट को कैंसिल करना, क्योंकि इसका ना डेटा दे रखा है ना वो मांग रहे हैं। जब भी हम नीचे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2s = d-u, और स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी d-u/2। अब d की क्या है हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड? 12 times x+100 और -12x/2। अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो आंसर आएगा 12x+1200 -12x/2, यहां से निकलेगा 600। 600 क्या निकला हमारा? मीटर्स में आंसर निकला, ठीक है? क्योंकि अभी तक हम 100 क्या लिया था, हमने मीटर ही लिया था, तो जो मैंने सारी यूनिट ले ली थी वो मीटर पर आर में ले ली थी, जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल वे, क्योंकि सब ही मीटर में चल रहा था तो मीटर पर आर की यूनिट ले ली। लेकिन वो किलोमीटर पर आर में पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिवाइडेड बाय 1000 करो तो 0.6 किलोमीटर पर आर आ जाएगा, और डी आंसर आ जाएगा। अगर यूनिट्स कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो यूनिट कन्वर्जन में भी बना रखी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पर क्लिक करिए, और वहां पे सारे एक्सपीरियंस ट्यूटर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स निकाल रखी हैं, और वो काफी समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दे हेल्पिंग क्रैकिंग द एग्जाम्स। तो आप वहां पे जाएंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको काफी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, और अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस भी चाहते हैं तो आपको वो भी अवेलेबल होगा, और स्टडी मटेरियल भी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।